हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आज वेलकम करता हूं आप सभी का एक और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। दोस्तों जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो छोड़कर कहीं ना जाओ, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों आज हम एक और बार ले चलते हैं आपको बरेली के बर्ड्स मार्केट। दोस्तों आज हम बताएंगे कि दिसंबर में बरेली में बर्ड्स का रेट क्या चल रहा है, कौन से परिंदे पे रेट बढ़ा है और कौन से परिंदों पे रेट घट रहा है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बिल्कुल भी इसकी मत कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे बरेली में बर्ड्स मिलते हैं, और काफ़ी भाई लोग कमेंट आते हैं कि भाई हमें मार्केट नहीं मिल रही, तो मैं आज आपको दो मार्केट के एड्रेस दूंगा, तो आप दो में से किसी भी मार्केट में जा सकते हैं और वो मार्केट आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों पहली मार्केट की हम बात कर लें, जो पहली मार्केट लगती है बर्ड्स मार्केट वो लगती है बिहारीपुर ढाल पर। तो दोस्तों आपको अगर बिहारीपुर ढाल पर जाना है तो आप सिटी से ऑटो कर सकते हैं, जो बरेली सिटी स्टेशन है वहाँ से आपको आसानी से बिहारीपुर ढाल के लिए ऑटो मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज़, अगर आपको दूसरी मार्केट में जाना है वो लगती है बड़े बाज़ार से पहले। दोस्तों बरेली में बड़ा बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको अगर दूसरी मार्केट में जाना है तो आपको ऑटो करना होगा कुमार टॉकीज का। दोस्तों बरेली में कुमार टॉकीज बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बास मंडी के पास लगता है, सिनेमा घर है ये, तो कुमार टॉकीज बहुत पुराना टॉकीज है, तो उसके पास में बास मंडी है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 100 मीटर के अंदर दायरे में बर्ड्स मार्केट लगती है। तो आप कुमार टाके चले जाएंगे तो आपको आराम से बर्ड्स मार्केट दूसरी वाली मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर कुमार टाकेज ना मिले तो आप बरेली का जो पुराना बस अड्डा है, पुराना रोडवेज है, ओल्ड बस स्टैंड, तो आप वहाँ से कुमार टाकेज के लिए ऑटो कर सकते हैं, वरना आप पैदल भी जा सकते हैं। मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है बस स्टैंड से कुमार टाकेज। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों एड्रेस बता दिए, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बता देते हैं दिसंबर के रेट, दिसंबर में बरेली में क्या प्राइस चल रहा है बर्ड्स का। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अंत तक बने रहिए।